आओ जी, बड़ी ससमा कहाँ रह गई, वो अभी तक आई नहीं। आ जाएंगी वसुंधरा जी, बाकी सब लोग भी आ जाएंगे। तुम आरती शुरू करो, 6 बज चुके हैं, आरती में देर नहीं होनी चाहिए, है ना। वैसे भी शेरावाली माँ की एक खास आरती है जो हम हर साल करते आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। जी बाबू जी। माँ फोन उठाइए। तू तो मरी गई बुढ़िया, उस थपकी से बात करने से पहले बढ़िया ही अपनी बेटी और बहू को मिलाने वाली, तो को ना भगवान भी नहीं बचा पाएगा। माँ फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बोलो काली माता की जय, बोलो काली माता की जय, बोलो काली माता की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे माता रानी, माँ पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं। माँ कहीं भी, आप उनकी रक्षा कीजिएगा, वो किसी मुश्किल में ना फंस गई हो। बिजली को क्या हुआ? ये बटन तो ऑन है, पर ये बच कैसे गई? माँ मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरा फोन साइलेंट में था, पर क्या बात है, आप इतने फोन क्या हुआ क्या है? मैं सुनो, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
परमा क्या हुआ, बात क्या है? ओहो, तुमसे मिल के बताऊंगी ना सामने आने, तुम आओ तो सही, जल्दी पहुंचो घर बस। अच्छा ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखिए, बस मैं घर पहुंचने वाली हूँ, मैं आ रही हूँ बस। जय माता दी, 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 जय माता रानी। आज आपके आशीर्वाद से ये दोनों बच्चे एक हो जाएंगे फिर से। उस चिट्ठी को देख के बिहान और थपकी के बीच की सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी माता रानी, बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए हम पे, मेरे साथ रहिए माता रानी, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। सत्यानाश, ये बुढ़िया ने चिट्ठी दिखा दी तो क्या करेंगे? क्या निकाल रहे हो आप ये? तुम देखोगे चिट्ठी ना तो सब समझ जाओगी। माँ को बहुत चोट लगी है।
बताइए ना माँ कब तक ठीक होंगी? बोलिए ना डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो है ना? कब होश में आएगी माँ? देखिए चोट बहुत गहरी है, इनका होश में आना बहुत जरूरी है। अगर अगले 6 घंटे में इन्हें होश नहीं आया तो क्या डॉक्टर? तो इनकी हालत गंभीर हो सकती है, यहाँ तक इन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और हमेशा के लिए ये कोमा में भी जा सकती है। तीन बजे तक इनका होश में आना बहुत जरूरी है। जा रहे माँ शेरावाली से प्रार्थना कर रहे हैं, जो सबकी माँ है वही वसुंधरा जी को अब बचा सकती है। अगर अगले 6 घंटे में इन्हें होश नहीं आया तो इन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और हमेशा के लिए ये कोमा में भी जा सकती है। ध्यान भाई देखो ना, अचानक मां को ध्यान हिम्मत रख। हिम्मत ही तो टूट गई है भाई, देखो हमारी किस्मत हमारे कितना खेल खेल ले, एक एक करके सब कुछ छीनती जा रही है। अले जन्म देने वाली माँ, हमारा प्यार तब की माँ ने हमें दूसरा जन्म दिया, जिंदगी दी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा हमारी माँ को, कुछ नहीं होगा। इधर देख ध्यान, ध्यान तेरा प्यार माँ को कुछ नहीं होने देगा। हमने जो भगवान से इतनी मिन्नतें की है, इतनी पूजा की है, वो बेकार नहीं जा सकती। कुछ नहीं होगा माँ को, जो देखना अभी माँ खुद उठ जाएगी और आके तुझे गले लगा लेगी। ध्यान माँ को उठना ही होगा, तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए। और भाई अगर कुछ गिरना है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरा, माँ पर क्यों? ध्यान, लेकिन इस सब में मुझे मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। गमला इतना भारी था और बाहर इतनी भी जोर से हवा नहीं चल रही तो वो गमला गिरा कैसे? बर्बादी की चिट्ठी अब किसी के हाथ नहीं लगी, काहे की बुढ़ी अब तो किसी को कुछ बताने के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि अब तू जाएगी कोमा में। ना ही थपकी की चिट्ठी के बारे में किसी को पता चलेगा और ना ही हमरे बिहान जी जाएंगे हमसे दूर। अरे वाह रे गमला, तूने गजब किया हमला, एक ही बारी में दो सिका। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? मुझे ही आपका ध्यान रखना चाहिए था।
हुआ पर सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ और आप मुझे कुछ बताने वाली थी तो मैं आप क्या बताने वाली थी मुझे वो कागज माँ क्या था उस कागज में कुछ तो बहुत जरूरी होगा उस कागज में जिसे आप चाहते थे मैं देखूं पर माँ आप तभी इतनी परेशान थी ना हाँ बताइए ना वो कागज कहाँ है अब वो सत्यानाश चिट्ठी तो यहाँ पर है ही नहीं लगता है ना कि वो तेज हवा में ना कहीं दूर ही उड़ गई है चलो ये अच्छा है वो चिट्ठी दूर मतलब कि हमारी परेशानी दूर और उस चिट्ठी का सच जिसको पता है वो तो वैसे ही दुनिया से दूर होने वाली है हमेशा हमेशा के लिए वो चैन की नींद में जो सोने वाली है कुछ नहीं होगा आपको माँ उठिए ना मैं ये पूरा परिवार हम कुछ भी नहीं आपके बिना आपको पता है हम सबको आपकी जरूरत है आपने कहा था ना मुझसे कि आप मुझे बहू से भी बढ़कर मानती है बेटी मानती है माँ मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा है आपसे अब मांगती हूँ उठिए माँ प्लीज माँ उठिए ना आप हम सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकती माँ मैं थक गई हूँ माँ के लिए लड़ते लड़ते उठिए आप मुझे अपनी माँ का साथ चाहिए उठिए ना माँ उठ जाए अगर अगले 6 घंटे में इन्हें होश नहीं आया तो इन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और हमेशा के लिए ये कोमा में भी जा सकती है मेरी आंखों के सामने माँ के साथ इतना बड़ा हादसा मैं कुछ नहीं कर पाई तुम्हारी नहीं रखी ये तो हमारी बदकिस्मती का दोष है क्या करें इस ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में किसी का प्यार लिखा ही नहीं
मुझे बचाना चाहिए था ना माँ को, मेरी गलती है ना बयान, मेरी वजह से माँ। हम जानते हैं धक्की, अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम कुछ भी नहीं होने देती माँ को। हम जानते हैं कितना प्यार करती हो तुम उनसे। हम जानते हैं धक्की, तुम्हारी जान भी चली जाती तब भी तुम हमारी माँ को कुछ नहीं होने देती। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.